हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले उन सभी बच्चों को कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, बहुत सारी बधाइयाँ जिनको TES 43 से कॉल आया है। TES का जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दिया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ। नॉर्मली अप्रैल वाले TES का कट ऑफ जो है वो 84-85% जाता है और नवंबर वाले TES का कट ऑफ नॉर्मली 78-81% के बीच में जाता है। तो इस बार का TES का 43 का कट ऑफ जो है वो है 79% PCM में जिनका एग्रीगेट है। अब आपने जो मुझे ये नोटिफिकेशन अभी आया है, अब आपको डेट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर आपको SSB देने जाना है। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब से आपका ये आया है, जो जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं मुझे, जो जो आपने मैसेज किए हैं या फोन पे बात हुई, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सेशन ले रहा हूं आपको कि अब क्या करना है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसकी जो TES की SSB की डेट है वो जनवरी फर्स्ट वीक से, जैसे लगभग सेकेंड जनवरी से स्टार्ट होके करीब करीब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक चलेगी। यानी इन डेट्स में आप SSB का कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उन्होंने जो आपको डेट्स दी हैं उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सपोज सिलेक्ट नहीं की तो वो एट रैंडम उसमें से कोई भी एक डेट दे सकते हैं जिस पर डेट पर सबसे कम इंक्वायरी हुई होंगी। इसके अलावा जो एक और डाउट है आपका कि सिलेक्शन ऑफ डेट कैसे लें सर, क्योंकि NDA 2 के की भी डेट उसी समय आएगी। बिल्कुल सच है, NDA 2 का जो रिजल्ट है वो आएगा दिसंबर एंड में या फिर जैन में, और इसकी जो SSB है वो एंड ऑफ जैन या फेब में स्टार्ट होगी। कट ऑफ की बात करूं तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 300 के आसपास होने पर चांसेस हैं, 330 पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट आ ही जाएगा कॉल, पर डिपेंड करता है फिर भी। तो अब वो कैंडिडेट जो कि NDA 2 में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उनके पास ये दो SSB के ऑप्शन हैं, क्या करना चाहिए, डेट ऑफ सिलेक्शन कैसे लें और दोनों डेट के सिलेक्शन में कितना गैप रखें, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। और दूसरा, प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें हैं जिसको आप फॉलो करें वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। नंबर वन थिंग, जो मेरे पास बच्चे फोन करते हैं तो जो बातें मुझे समझ में आती हैं, मैसेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं डिफेंस की, सबसे पहले तो TES जो है वो केवल इंडियन आर्मी के लिए है और NDA जो है वो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए होगा। एक डिफरेंस बेसिक तो ये है। तो अगर बाकी SSB प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, अब बात करते हैं कि इसके, जब हम बात करते हैं TES की, जैसे जब अप्रैल वाला TES के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ हाई इसलिए जाता है क्योंकि उस समय 12th का रिजल्ट आता है और बहुत सारे बच्चे उसको अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई कर देने के बाद फिर जिनके स्कोर अच्छे होते हैं इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। पर उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज वो भी होता है जो कि एक्चुअल में डिफेंस के लिए सीरियस नहीं होता, जस्ट फॉर नोटिफिकेशन देख के अप्लाई कर देता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सितंबर अक्टूबर में भी यही मिस्टेक करते हैं। पहले अपने आप से ये पूछिए, क्या आप जेन्युइनली सीरियसली डिफेंस में जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको प्रोसेस करना चाहिए, तो आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप एक बात समझ के चलिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं SSB की तो SSB में नॉर्मली मोर देन 99% रिजेक्शन रेट है, यानी 100 या 200 में से केवल एक बच्चा सिलेक्ट होता है, और वो जो एक बच्चा होता है उसमें वो सारी क्वालिटी वो चेक करते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती है। अब वो क्वालिटी आप कैसे लाएंगे अपने अंदर, वो हैबिट्स कैसे डेवलप करेंगे आपके आप अपने अंदर, वो मैं बात करूंगा। तो अब मेरे आपको रेगुलर SSB के सेशंस मिलेंगे, कुछ स्क्रीन टेस्ट में थ्रू ऑनलाइन भी आपके लूंगा जिससे कि आप समझ पाए, जैसे लॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, इमेज वगैरह को देख के स्टोरी लिखना होता है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पर अभी मेरा सेशन है कि पहले पहली स्टेप क्या ली जाए। NDA और TES की SSB की डेट आसपास रखना बेटर है या डिफरेंस रखना चाहिए? मैं पहले कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दूं कि अगर आपका एम डिफेंस में जाने का है तो आपको TES की डेट और NDA 2 की डेट और NDA 1 का एग्जाम, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, TES 43, NDA 2, SSB और NDA 1 का एग्जाम जो कि 19 अप्रैल को, इनमें गैप रखिए। नंबर वन थिंग कि TES 43 की डेट आप जैन के मिड में रखिए, अच्छा रहेगा।
जिससे कि अभी करीब करीब आपको एक महीने से ऊपर मिलने वाला है, वन मंथ में आपको अपने आप को तैयार करना है। एक सिवा आपसे कोई मिस्टेक्स होती है या कहीं आप किसी कारण से स्क्रीनिंग आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं। देखिए, स्क्रीन आउट का मतलब है जो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है, एक एप्टीट्यूड लॉजिकल टेस्ट जो होता है, उसमें ही अगर आप आउट हो गए तो आप 5 डेज के प्रोसेस में नहीं जाएंगे, और या फिर आप 5 डेज के प्रोसेस बाद इनकेस आउट होते हैं तो अगले एसएसबी के लिए आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिले। तो ये फेब में होना चाहिए, और इसके ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप आउट होंगे कि नहीं होंगे, वो तो डिपेंड करता है आपने अच्छा परफॉर्म किया। कई बार ये भी होता है, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने देखा है, पर आपको जो ग्रुप मिलता है उसमें भी किसी की मिस्टेक की वजह से कई बार आउट हो जाते हैं। और दूसरा, हमें एक रियलिस्टिक, ऑनेस्टली और मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि अगर 100 में से एक बच्चा ही सिलेक्ट हो रहा है, 200 में से एक ही हो रहा है, अभी मैं हायर साइड चला जाऊं तो 100 में से एक नहीं तो लगभग 100 से 200 में एक होता है, तो ऐसे में हो सकता इन हो सकता आउट हो, दोनों के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे। ये भी ध्यान रखिए, सिलेक्ट होने वाला बच्चा वो नहीं होता जो ये सोच के जाता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, जबकि वो ये सोच के जाता है कि जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। वो बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेंटली जब प्रिपेयर होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज में एक पॉजिटिवनेस दिखती है। जब आप किसी डर के साथ जाते हैं, बार बार अपने आप से मैं हो पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा, मेरा आ तो गया है कॉल, जब ऐसे निगेटिव थॉट के साथ जाते हैं तो आप समझ के चलिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे में प्रॉब्लम होती है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल्स में दूंगा आपको रियलिस्टिक प्रैक्टिकल, शायद इनसे आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो आप कभी इस डर के साथ नहीं चलाते कि मेरा एक्सीडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं और इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर जिस दिन आप ये सोचते हैं कि मैं आज अच्छी ड्राइविंग करूंगा, कई बार होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि आज मैं सबसे अच्छी ड्राइविंग करूंगा, आई थिंक वो दिन आपके आप सबसे बेकार ड्राइविंग करते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपने ब्रेन को बोला नहीं है ये, आपने अगर ब्रेन को ये बोला है कि मैं आज अच्छी ड्राइविंग करूंगा तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी अप्लाई होती है कि मैं अब तक अच्छी ड्राइविंग नहीं कर रहा था। वैसे ही मैं बोलूंगा कि जब आप एसएसबी देने जाएं तो आपके थॉट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना सिलेक्शन के ना रिजेक्शन के, बल्कि इस बात के होना चाहिए कि जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं वो बात समझिएगा और बहुत ही गहराई से सोचिएगा कि टीएस 43 एनडीए 2 के बीच में लगभग एक मंथ का डिफरेंस रखें। इन केस आप आउट हो गए तो आपके पास वन मंथ में जो मिस्टेक यहां हुई है उसको इंप्रूव करने का एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इन केस एसएसबी एनडीए 2 से भी आप बाई चांस किसी कारण से आउट हो गए तो आपको एनडीए के अप्रैल के लिए भी लगभग 2 मंथ मिल जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि जैन मिड में ये रखना चाहिए, फेब मिड में ये रखना चाहिए, और इन केस इधर का आप आउट होते हैं तो आपके पास यहां एनडीए 1 और इसके बाद फिर से टीएस 44 के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। और डिफेंस बिल्कुल क्लियर कट एक एग्जाम है। मैं हमेशा, जब से मैं ये क्लासेस ले रहा हूं, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका ड्रीम डिफेंस में जाने का है तो आपके अंदर एक एटीट्यूड जरूर होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एटीट्यूड कभी ना हार मानने वाला। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है तो आप समझ के चलिए कि आप किसी ना किसी एसएसबी में 100% सिलेक्ट होंगे और कोई आपको दुनिया में रोक नहीं सकता, अनलेस एंड अंटिल खुद आप अपने आप को रोक ले। यही एटीट्यूड लगता है। देखिए, आप हमेशा आपने सुना होगा 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले कुछ सेशन में, किस तरह के आपके स्क्रीन टेस्ट होते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी पता नहीं होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी होना चाहिए जो एक ऑफिसर के अंदर होती है। और अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट टिप क्या है। तो इसकी प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट टिप है कि आप सोचिए कि अगर आप खुद आर्मी में ऑफिसर होते तो आप किस तरह के कैंडिडेट को सिलेक्ट करते और उस कैंडिडेट में क्या क्या चीज देखते। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आपको एसएसबी से कोई आउट नहीं कर सकता, वो क्वालिटी आपको डेवलप करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो चीज के डायरेक्शन में जाते नहीं है। याद रखिएगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। जब आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी होती है हमें, अगर हम रोड पे प्रॉपर गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो 2-व्हीलर हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे 4-व्हीलर हो, कुछ भी हो, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप हर पल हर समय
जो चीज यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे कि सपोज आपके आगे कोई गाड़ी है, आपको ब्रेक किस स्पीड से लगाना है ये डिसीजन आपके आगे गाड़ी कितनी दूर है उससे होता है। एक कैलकुलेशन होती है आपकी कि ब्रेक एकदम लगाना पड़ेगा, स्लो लगाना है या कहीं गाड़ी आपको रोकना है। बहुत स्पीड में भी चला रहे हैं तो आपको पता होता है कि ब्रेक की स्पीड क्या होती है। कभी गाड़ी जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर रहती है, हमारे दिमाग में दो थॉट आते हैं ओवरटेक करते समय, या तो हम कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे तो आपकी स्पीड क्या होती है, नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं ये आपको पता होता है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक आर्मी की तरह, एक आर्मी पर्सन की तरह, एक एयरफोर्स पर्सन की तरह आपको लाइफ को, लाइफ स्टाइल को देखना पड़ेगा। आप कितनी भी प्रिपरेशन किसी भी कोचिंग में चले जाए सब बेकार हो जाएगी अगर आपने ये सारी क्वालिटी डेवलप नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि वो एक चीज को सबसे ज्यादा चेक करते हैं कि कहीं आप कोई रट के तो नहीं आए, आप एक्चुअल में ऑनेस्टली ऑनेस्ट हैं कि नहीं, ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है। और उसके लिए जब वो आपको कोई सिचुएशन देते हैं तो आपको बहुत कम टाइम देते हैं, मतलब सेकंडों में टाइम देते हैं। इमेज देख के आपके पास 15 से 30 सेकंड होंगे, इतनी देर में आपको उसके ऊपर थॉट बना के स्टोरी लिखना चालू करना। ऐसा आप जब ही कर सकते हैं जब आप खुद से ऑनेस्ट हो, क्योंकि आप कोई नई चीज नहीं कर सकते। तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है। आप कभी सोचिए कि जब कभी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कैजुअलिटी होती है, तो आपने देखा होगा कि सोल्जर्स को बुलाया जाता है, यानी डिफेंस के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आते हैं। चाहे भूकंप आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कोई भी चीज आए, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उनके पास वो ट्रेनिंग है कि वो उस टफ कंडीशन में भी लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप सोचेंगे कि सर वो ट्रेनिंग के बाद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट उस ट्रेनिंग को करने के लिए आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं। केवल आप ये सोच के डिफेंस में जाना चाहते हैं कि बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल राइट कैंडिडेट नहीं है। आपने टीएस का केवल अप्लाई कर दिया नोटिफिकेशन के लिए। जैसे अभी मुझे कुछ बच्चों ने बात की, मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। मैंने उनसे पूछा, बच्चों ने मुझे आज पूछा कि सर टीएस 43 का हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने पूछा एनडीए 2 दिया था, बोले नहीं दिया था। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों नहीं दिया। सर ऐसे ही नहीं दिया था, सोचा था कि नहीं जाएंगे, अब कॉल आ गया तो चले जाते। ये एटीट्यूड जब सोचिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लगन के साथ भी मेहनत कर रहा होता है डिफेंस की तैयारी के लिए, वो भी कई बार रिजेक्ट हो जाता। तो ऐसे में अगर आप केवल ये सोच के भर देते हैं कि 12 के परसेंटेज, देखिए इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में जाने के बहुत सारे वे हैं, और वो बहुत सारे ऐड भी करते हैं, सब करते हैं, पर वो सिलेक्शन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑफिसर्स की, 17-18,000 ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, बट और रोज बच्चे जाते हैं, कई कई बच्चों के बैच जाते हैं, उसके बाद भी वो सिलेक्शन में कंप्रोमाइज नहीं करते। रीजन, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके एक डिसीजन से आप समझ सकते हैं कि कुछ का कुछ हो सकता है, यानी एक एक सेकंड की कैलकुलेशन होती है। आप सोचिए कि आप डिफेंस में जा रहे हैं, जिस भी आदमी के साथ आपकी फाइट है, चाहे वो कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो भी इसी तैयारी के साथ आए, तो आपकी एक एक माइनर मिस्टेक, एक माइक्रो सेकंड की मिस्टेक हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। यानी आपका ब्रेन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही शार्प, बहुत ही मल्टी डायमेंशन जब आप होते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगी तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं। आपने कई सारी मूवी देखी होंगी अच्छी, जो फाइटिंग मूवी होती है, सोल्जर्स बेस्ड मूवी होती है, आपने देखा होगा कि हीरो जो है वो लास्ट सेकंड तक भी किस ढंग से फाइट कर रहा होता है। वो एक क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। तो अगर आपने टीएस के लिए जस्ट फॉर अप्लाई कर दिया है और आप सोचते हो मैं चला जाऊं, तो मुझे लगता है ये राइट वे नहीं है। और अगर आप एनडीए 2 के लिए, 1 के लिए एलिजिबल है, तो आप एनडीए 1 का फॉर्म जो वो भरिएगा, इसमें गड़बड़ मत करिएगा। और दोनों एसएसबी की मेरा पर्सनल सजेशन है, डेट आसपास नहीं रखना चाहिए, बाकी ये आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे मैं यहां पर भी क्लास जो एनडीए की स्टार्ट करता हूं, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जगहों के बच्चे आते हैं, हर जगह के बच्चे मैंने देखे, और कई बच्चे ऐसे भी डिफरेंट एकेडमी में गए, तो वो मुझे जब बताते हैं, वहां हमारे यहाँ 2 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास होती है, यहां पर जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको 6-8 घंटे लगातार बिठाता हूं। उसका पर्पज है, अगर आप 6-8 घंटे क्लास में नहीं बैठ सकते तो फिर डिफेंस में तो 24 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है।
22 घंटे 23 घंटे कई बार खड़े खड़े लोग सोते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, पर ये सब वहां जाके नहीं होता, ये होता है इसलिए वो आपको सिलेक्ट करते हैं और वहां जाके आप सर्वाइव कर पाते हैं, बल्कि वहां जाके भी कुछ लोग नहीं कर पाते इसलिए वापस लौट जाते हैं, पर फिर भी जो वो सिलेक्ट करते हैं 100 कैंडिडेट, मान के चलिए कि 95 लोग ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं, यानी वो ये क्वालिटीज आपके अंदर जब देखते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर एसएसबी में हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, एक चीज समझिए, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होना जरूरी नहीं है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, यानी आपका इंग्लिश पर अच्छा कमांड हो या आप इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एसएसबी इंग्लिश में ही होता है, और क्योंकि आप ऑफिसर्स बनने वाले होते हैं आपको अलग अलग स्टेट के आए हुए लोगों के साथ आपको हैंडलिंग करनी होती है, तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश यूज की जाती है, इसलिए एसएसबी में इंग्लिश का अच्छा होना जरूरी है। इनफैक्ट एनडीए का जब एग्जाम होता है तो मैथ्स के बाद सेकेंड हाइएस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश होता है, जो 200 मार्क्स का होता है। उसका पर्पज यही होता है कि अगर एक बेस ऑफ इंग्लिश नहीं है तो कैसे होगा। तो अब आपको अगले एक महीने क्या करना चाहिए। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एसएसबी को लेके, वो ये कि एसएसबी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, ये भी बहुत बड़ा, तीन पार्ट होते हैं, तीन अलग अलग डोमेन्स पे आपको एसएसबी में चेक करते हैं, उसमें एक फिजिकल टास्क भी होता है, पर वो फिजिकल टास्क बहुत ऐसा होता है कि अगर आपने वो आपको टास्क देते हैं वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, अगर आप पहले दो टास्क के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो ये याद रखिएगा कि एसएसबी फिजिकल ट्रेनिंग चेक नहीं कर रहा, आपकी फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली चेक करता है। और कुछ एक काम तो मैं आपको भी बोलूंगा करना चाहिए, लाइक अगर आप एसएसबी में जाने वाले या डिफेंस में जाने वाले, इवन आप डिफेंस में नहीं भी जाने वाले, तो ये तो सबके लिए अप्लाई होती है कि आप एवरी मॉर्निंग 3 to 5 किलोमीटर की रनिंग करिए, बेस्ट वे है। इसके अलावा फिजिकल वर्कआउट करिए, जिमिंग जरूरी नहीं है, फिजिकल वर्कआउट का मतलब होता है पुशअप, सिटअप, राइट, पुशअप लगाना चाहिए, सिटअप लगाना चाहिए, पुलअप लगाना चाहिए, और अगर हो सकता है तो कोई स्पोर्ट एक्टिविटी से जुड़े, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उससे जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, राइट, हॉकी, क्रिकेट, कुछ भी। अब आप समझिए कि क्रिकेट प्लेयर्स के साथ क्या बात होती है, जैसे सपोज प्लेयर्स के डिसीजन, आपने देखा होगा प्लेयर्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पर उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। रीजन, उनकी डिसीजन पावर बहुत हाई होती है। कैसे, सपोज आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आपके पास कैसे आ रही है और आपको किस ढंग से शॉट लगाना है कि आप रन भी बना पाए, आप 4 भी लगा सके, 6 भी, ये आपको एक माइक्रो सेकेंड में डिसीजन लेना होता है, बॉल के, बॉलर के एक्शन को देख के, बॉल की कैलकुलेशन करके, और आप वैसा शॉट लगाते हैं। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आपको बैडमिंटन खेल रहे हैं, शटल कॉक को रिसीव भी करना है और कहां पे देना है बॉल वो देखना है। लॉन टेनिस खेलना, आप इसलिए गेम देखा करें, खेले भी देखे भी, तो आपको समझ में आएगा कि किस ढंग से डिसीजंस लेते हैं प्लेयर्स, और वो डिसीजन लेने से उनकी डिसीजंस पावर बढ़ती है। इसलिए डिफेंस में आप देखेंगे अक्सर एसएसबी में वो कैंडिडेट को बहुत फायदा मिलता है जो किसी गेम से जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर एक बच्चा था जिसका आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, राज का, उसके 12% कम थे एनडीए में, फर्स्ट टाइम में एनडीए रिटर्न निकाला और यहां का स्टूडेंट था, और फर्स्ट टाइम में ही उसने एसएसबी भी क्लियर करा, फुटबॉल प्लेयर था, फायदा मिला उसका। आप लोगों को भी यही बोलूंगा, और याद रखिएगा अपनी हैबिट, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इन सबको चेंज करिए। आप अपनी कोई भी हैबिट चेंज कर सकते हैं। अब साइंस भी ये कहता है कि आप किसी भी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं तो लगातार उस पर 21 डेज तक अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो हैबिट चेंज हो सकती है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करिए, जिससे कि, क्योंकि मैं आपको एक बार बता दूं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपने 500 बार सुन ली, सब कर ली, पर उनको उतारा ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। जैसे गीता का एक संदेश है, गीता के 10 स्टेटमेंट वाला कैलेंडर मैंने कई जगह देखा है, पर उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं हमेशा पढ़ता हूं और उसी को मैं पहले सोचता हूं जब वो पूरा जीवन में उतर जाए, जब सेकंड देखेंगे, कर्म ही पूजा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम पहले फल की बात करते हैं। जो भी बच्चा बात करता है, सर एसएसबी में कैसे सिलेक्शन होगा ये बता दीजिए, मैं बोलता हूं एसएसबी में सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं, एसएसबी में सिलेक्शन कैसे होगा ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि अगर आप ऑफिसर होते तो किसी बच्चे में को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्वालिटी उसमें देखते। बस जहां ये थॉट आपके अंदर आ गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब आप ऑफिसर होते तो उस बच्चे में क्या क्या देखते, वो चीजें आपके अंदर है कि नहीं, पहले अपने आप से देखिए।
तो आपको अपनी लाइफ में कुछ एक चीजों का डिसिप्लिन लाना चाहिए। यहाँ जब बच्चे आते हैं रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन का यही फायदा होता है। एक्चुअल में एसएसबी की ट्रेनिंग कोई अलग से करने की जरूरत होती नहीं है, एक बेसिक आइडियाज होता है एसएसबी, जो मैं आपको बताने वाला हूं दूंगा कि एसएसबी एक आइडिया है। एक्चुअल में जब हम एनडीए रिटर्न की प्रिपरेशन करते हैं तो कई सारी चीजों से हम डेवलप होते हैं। एनडीए में जीएस आना मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, इकोनॉमी होती है, पॉलिटी होती है, इन सबका पर्पज होता है कि आपको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको मल्टी डायमेंशन होना जरूरी होता है, मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि मैथ्स से लॉजिकल रीजनिंग मतलब मैथ्स से आपके लॉजिक्स डेवलप होते हैं, तो आपका एक लॉजिकल ब्रेन होना चाहिए। यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि आपका अगर टीएस 43 से कॉल आया है, एनडीए में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उससे भी कॉल आएगा, और उसके बाद भी अगर आप एनडीए के एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए एनडीए बन फॉर्म बनने की भी। और एक और बात याद रखिएगा कि इन केस आपका एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था या टीएस का, तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं, अपना पूरा फोकस एसएसबी में लगाइए। एक सेवा आउट होते हैं तो हम फिर सीडीएस एफकेट इन सब पे फोकस करेंगे। हिम्मत नहीं हारना, अगर आप आज हिम्मत हार गए तो आप फिर समझ लीजिए फिर मैं बोलूंगा आपको एसएसबी में जाना ही नहीं। और आधे लोग एसएसबी में जाने से पहले ही हिम्मत हार चुके होते हैं, वो बच्चा तो पहले ही आउट हो जाता है। याद रखिए कॉम्पिटिशन को समझना पड़ेगा, कंपटीशन को रियलाइज करना पड़ेगा, एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, कुछ चीजें अपने आप को डेवलप करनी पड़ेंगी। वो चीजें डेवलप करनी है जिसके लिए आपने अभी अपने आप को तैयार नहीं किया है। तो अगर आपने इन केस ऐसे ही फॉर्म भर दिया और अब आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो भी मैं बोलूंगा अगर आप अपने आप को फिजिकली मेंटली इमोशनली लॉजिकली डेवलप करके जाएंगे तो आपको ही मजा आएगा। इससे अच्छी फील्ड कोई हो ही नहीं सकती डिफेंस से। बट उसके लिए आपको अपने आप को कैसे तैयार करना मैं बता दूं कि किस ढंग से अपने आप को आप प्रिपेयर करें कि आप चीजें समझ पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, और जब भी निराशा हो तो ये एग्जांपल याद रखिएगा और आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में एसएसबी में किस तरह का एटीट्यूड चाहिए। सपोज आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और डिस्टेंस है 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्टेंस मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस मतलब बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस, राइट? जो आप मेरे ख्याल से जब भी कहीं घर से निकलते हैं तो 100 मीटर तो रन चल ही रहते हैं, और 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड वो 93 सेकंड का है, और आप हो सकता है मैं 12 सेकंड में कर सकता हूं, आप भी 10-12 सेकंड में कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहां पर सपोज 200 लोग हैं और इनको बोला गया है कि जो भी इस एंड पे सबसे पहले आएगा उसको 1 लाख की प्राइस दी जाएगी। सोचिए कि यहां पर खड़े हुए लोगों का दिमाग में क्या चल रहा होगा। हर एक के दिमाग में एक ही बात होगी, अपनी पूरी क्षमताएं लगा देते हैं, अपनी पूरी क्षमताएं लगा देते हैं, देखेंगे जो होगा। और हो सकता है कि विनर वो हो जो कभी भी ना दौड़ा, हो सकता है। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ए से बी पॉइंट तक जाना है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का मतलब आप समझते हैं डबल मैराथन से भी ज्यादा, यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। एक सिटी से हम दूसरी सिटी तक जा सकते हैं। अब यहां पर आप 2000 लोगों को खड़ा कर दो, इनाम रख दो आप 10 लाख, तो भी यहां पर खड़े होने वाले लोगों के अंदर एक चीज समझ लीजिए, आधे लोग तो पहले ही सोच के बैठे हुए हैं कि इतना लंबा दौड़ ही नहीं पाएंगे, चलो ठीक है जहां तक दौड़ेंगे देखेंगे। बात समझना थोड़ा गहराई से कि थॉट ऑफ ब्रेन जो डेवलप होते हैं वही चीज आपके एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, और वही चीज वो चेक कर रहे होते हैं। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग जो आपका एसएसबी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपकी छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेंगे आप जो सोच भी नहीं सकते। अब सोचिए कि यहां पर खड़े होने वाले लोगों के दिमाग में अपने आप से पूछिए क्या चल रहा होगा। कुछ लोग स्टार्ट करेंगे, ड्रॉप होते जाएंगे। ये सबको ना मैं विनर बोलता हूं ना लूजर, ये कुछ काम के नहीं, ये तो ऐसे ही हर एग्जाम के साथ ऐसे ही करते हैं। पर जो एंड पॉइंट तक जाता है मैं उसे बोलता हूं विनर, चाहे वो 10 के 10 लोग हों, 10 भी हों, और 10 में जो लास्ट वाला है ना वो भी मेरे लिए विनर है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप एंड पॉइंट पर नहीं जाते, जब तक ये डिसीजन लेना कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा गलत है। इसका मतलब आप अगर एंड पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो आपको लगातार दौड़ना पड़ेगा।
और जब तक नहीं रुकना जब तक एंड पॉइंट पे ना आ जाएं, एंड डिफेंस इज लाइक 100 किलोमीटर रेस, जब तक मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक लगना पड़ेगा, जब तक कि आप सिलेक्ट ना हो जाएं, वो क्वालिटी अगर आप में आ गई तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कंप्रोमाइज कर लिया आपने तो फिर कुछ नहीं हो सकता, और उस सबके बाद भी हमें हमारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है आप सूटेबल नहीं है, दूसरी डोमेन में चले जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर भी बहुत आगे जा सकते हैं, पर अपना एंड पॉइंट तक कोशिश तो करो, फिर अपने आप को असेस करो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ असेसमेंट, हम अपने आप को समझें कि जो चीजें वो चाहते हैं क्या वो सही में क्वालिटी हैं, तो हम इसकी प्रिपरेशन करें, नहीं है तो हम कोई और फील्ड में चले जाएं, किसी और को छोड़ दीजिए। अब्दुल कलाम जी जिनका दुनिया में, जिनको जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, इतना उन्होंने सब कुछ किया है साइंस में, मिशन में, आप ये बताइए कि जिनने इतना सब कंट्री में योगदान दिया वो भी डिफेंस में रिजेक्ट हो गए थे एसएसबी में, इस डजेंट मीन की क्वालिटी नहीं थी या उनमें उनका आईक्यू अच्छा नहीं था, पर जो चीज उनको रिक्वायर्ड थी वो क्वालिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, पर उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं जहां के लिए आप सबसे सूटेबल हैं। तो अभी मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप डिफेंस के लिए सीरियसली सोच रहे हैं, अगर डिफेंस के लिए सीरियसली सोच रहे हैं, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपको एंड पॉइंट तक जाना है, तो ये एग्जांपल मैंने अब्दुल कलाम जी का इसलिए दिया कि वो मिसाइल मैन भी रहे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया कंट्री के लिए सब पता आपको, उसके बाद भी वो किसी कारण से, जो भी रीजन रहा हो, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी जो आप में क्वालिटी देखती है वो क्वालिटी आपके अंदर याद किए हुए नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में होना चाहिए। तो वो सभी में नहीं हो सकती या सभी में हो सकती है, डिपेंड करता आप कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप ये समझ लीजिए कि ये 100 किलोमीटर की रेस है, आपको तो एंड पॉइंट तक जाना है बिना रुके, और फिर देखो आप देखोगे कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे भी लोग होंगे जो आर्मी में हैं, लेफ्टिनेंट, जिनकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी, जो ऑफिसर्स रहे हैं, जिनके कई बार 10 SSB, 12 SSB, 15 SSB तक में भी कुछ लोग सिलेक्ट हुए, ऐसे भी बहुत सारे आपको कैंडिडेट मिलेंगे। और उन्होंने क्यों सिलेक्ट हुए, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, जो अपने उनके अंदर कमी थी हर बार वो दूर करते गए और हर SSB में अपने आप को इंप्रूव करते गए। ये एक थॉट आपका कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करेगा, एक पॉजिटिव आपकी एनर्जी और वे को दिखाएगा जो आपको आगे लेके जाने वाला है। ये आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, और जब इन्वेस्टमेंट की बात आए तो जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए उसको, टाइम लगने दीजिए, टाइम की चिंता मत करिए। देखिए अगर आपके पास, ये भी एक एग्जांपल याद रखिएगा, ये दो एग्जांपल आपकी मुझे लगता है इंटायर लाइफ याद करिए, जब भी मुझे कुछ दिक्कत होती है मैं हमेशा ये याद करता हूं कि मुझे नहीं रुकना है। आज मेरे बच्चे हैं, एग्जाम जैसे ही NDA 2 खत्म हुआ, 10 दिन बाद NDA, अभी क्लास स्टार्ट हो गई है NDA 1 के लिए, और क्लासरूम के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़ गए, रुकना नहीं है। अब जिन बच्चों का TES 43 के लिए आया वो NDA के साथ साथ SSB की प्रिपरेशन करेंगे, NDA 2 निकलेगा वो भी SSB के साथ NDA की प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको अपने आप को इन्वेस्टमेंट करना, आपके पास सपोज 2 लाख रुपए हैं, इन्वेस्ट करने की बात आए, एक राम भरोसे बैंक है जो कहता है 2 ईयर में डबल कर देंगे, एक प्राइवेट बैंक है जो कहता है 5 ईयर में डबल कर देंगे, एक कोई गवर्नमेंट बैंक है लाइक SBI जो कहता है 7 ईयर में डबल करेंगे। मुझे लगता है आपका जवाब क्या होगा पता है, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे हर बच्चा बोलता है कि सर हम SBI में करेंगे, मैं पूछता हूं क्यों, राम भरोसे में क्यों नहीं कर रहे हो, 2 ईयर में डबल करते हैं, सर पता नहीं कहीं डूब गया तो, प्राइवेट में सर कई बार प्राइवेट बैंक में भी कुछ ना कुछ आजकल देखते हैं गड़बड़ होती रहती, आपको यहां पर ट्रस्ट है, जबकि आपको पता है रुपए डूब जाएंगे तो दोबारा कमा सकते हो, कैरियर हम डूब गया तो या अच्छा नहीं बनाया तो बाद में बहुत अफसोस होता है। आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, टाइम दीजिए, आपका मीडियम हिंदी है अपनी इंग्लिश पे वर्क करिए, स्पोकन आप अपने आप को, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो सुनते हैं, सुनने की आदत डालिए चारों तरफ। यहां पर जब हिंदी मीडियम का बच्चा आता है बोलते हैं हिंदी की बुक से नहीं पढ़ना, सब बंद करवा देते हैं, 15 दिन तक परेशान होता है, धीरे धीरे आदत डाल लेता है, टेस्ट हिंदी में नहीं देंगे भले NDA का पेपर हिंदी में आता है, क्यों, क्योंकि जहां जितना देखेंगे पढ़ेंगे रीडिंग लिसनिंग तो अपने आप ही धीरे धीरे इंप्रूव होगी। आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, अपने रात को आपको एक चीज आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब आप क्या क्या करें वो बताता हूं। नंबर 1 कि आप एवरी डे अपने आप को एक तो मॉर्निंग शेड्यूल बहुत फिक्स करिए,
उठने का टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए, 6 बजे उठना है तो 6 बजे, 7 बजे तो 7 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, जो आपने टाइम डिसाइड किया उसी सेकंड में उठना है, 10 मिनट में उठता हूं ये नहीं करना है। ये सब चीजें आपकी कहीं ना कहीं काउंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। अलार्म को आप उठाने की कोशिश करिए, आपको अलार्म उठाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले सुबह उठ के प्रॉपर फ्रेश होके एक रनिंग की आदत डालिए 3-4 किलोमीटर की, सिंपल एक्सरसाइज करिएगा, कोई गेम से जुड़ सकते हैं बेस्ट है, बहुत अच्छा होगा। दूसरा, फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर पढ़िएगा अच्छे से, द हिंदू बहुत अच्छा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़िए और बोल बोल के पढ़िए, जिससे वो आप सुनेंगे। अगर आपका मीडियम हिंदी है उसके लिए बोल रहा हूँ, या इंग्लिश वीक है तो आप बोलेंगे तो आप इंग्लिश के वर्ड जब सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, तो वो एक हैबिट रखिए। ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स करिए, देन स्टडी का टाइम फिक्स करिए। टाइम फिक्स करिएगा मतलब ये नहीं कि 10 से बैठना है, आपने सोचा है कि ब्रेकफास्ट के 15 मिनट बाद बैठना है, 15 मिनट बाद बैठे, 3 आवर्स के पहले नहीं उठेंगे तो 3 आवर के पहले चाहे नहीं हो रही पढ़ाई नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। 3 घंटे बाद लंच करेंगे, लंच के बाद 10 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर 2 घंटे या 15 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर 2 घंटे बैठेंगे तो 2 घंटे के पहले नहीं उठेंगे। एक शेड्यूलिंग अपने आप के लिए करिए, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में कंप्रोमाइज मत करिए। आप अगर 3 घंटे सोचा है पढ़ना है, कोई भी दोस्त आ जाए घर में, कोई भी बोल दे नहीं उठना है, ये सब चीजें जब आप डेवलप करेंगे तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही पॉजिटिव होगी। आप छोड़ने वाली आदत ना डालें, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, चलो शाम को कर लेते हैं, चलो ये दोस्त आया इसके साथ चले जाते हैं, ये काम शाम को कर लेंगे। जहां पे ये आदत आपकी डेवलप हुई आप समझ लो कि आप रिजेक्ट होने वाले, क्योंकि अगर 100 में से 99 लोग बाहर हो रहे हैं और एक अंदर हो रहा है तो वो एक में क्या क्वालिटी है वो समझिए। उन बच्चों के जो मैंने यहां पे सेशन डाले हैं उनको देखिए, प्रद्युमन का सेशन देखिए, लास्ट अटेम्प्ट लास्ट एनडीए दिया, फर्स्ट टाइम ही आया था सेलेक्ट हो गया। आप उनके सेशन सुनिए, ऐश्वर्या का सेशन डाला, आकृति का सेशन डाला, उनको सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशंस, आप सोचो, आप मुझसे पूछो कि मैं कहां चला जाऊं पढ़ने, सर आपके पास आ जाऊं, ये सब आप बिल्कुल यहां आ सकते हैं एसएसबी के लिए या कहीं पे भी जा सकते हैं, बट वहां जाके भी वो जो बता रहे हैं, जो आइडिया दे रहे हैं उनको सुनना है, पर इंप्लीमेंट आपको अपने तरीके से करना है, उसको अपने ढंग से सोचना है। सोचिए अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको लेके क्या थॉट रखते हैं, समझिएगा। आप कहीं जा रहे हैं और सपोज एक्सीडेंट हो गया, राइट, अब बहुत भीड़ लगी हुई, आप हो सकता है उस भीड़ का हिस्सा बन जाए या आगे निकल जाए। दूर जाने पर किसी ने आपसे बोला कि अरे ये छोटा भाई आपका, आप क्या करेंगे, उल्टे पैर लौटेंगे, उसको उठाएंगे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, आपने देखा एक्सीडेंट हो गया, आपका भाई है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उठे और ले गए उसको हॉस्पिटल। भाई आप डिफेंस में जा रहे हो, आप उन लोगों के लिए कर रहे हो कुछ जो कि जिनको आप नहीं जानते, ये एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, ये क्वालिटी तो होना चाहिए। इसलिए तो जब वो आपको बुलाते हैं एसएसबी में तो एक टीम देते हैं, वो देखते हैं कि आपकी टीम में कैसी, आपका क्वालिटी क्या है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी, स्किल्स क्या क्या, आप सुनते कैसे हो, लिसनिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपकी, आप जब बोलते हो तो लोग आपको कैसे ध्यान देते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें जो डेवलप करनी है। तो ये एक आदत आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। इन थॉट के साथ जब आप अपने आप तैयार करोगे, इन ऑल ओवरऑल पर्सनालिटी एकदम अलग होगी आपकी, तो आप समझ सकते हो। जैसे आपने देखा है कि मेडिकल लाइन में जाना है, बहुत पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, कंपाउंडर नहीं बनना। इंजीनियर बनना तो इंजीनियर ही बनिए, कोई भी एक फील्ड चुने, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डिफेंस में। ये मेरा सेशन एब्सोल्युटली एसएसबी को लेके, बट साथ में इस बात को भी लेके कि जो आप चाहते हैं वो करिए, पर अपना 100% देके करिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी भी जगह पे अगर आप 99% देते हैं तो वो जो 1% कम है वही चीज आपको आउट करती है, और स्पेशली एसएसबी में तो ऐसा होता है। आईआईटी में कम नंबर आए दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, मेडिकल में कम नंबर आया हो सकता पहला कॉलेज ना मिले, यूपीएससी में रैंक वाइज हो सकता आप किसी और पोस्ट पे आ जाए, पर यहां तो आपकी 100% क्वालिटी चेक की जा रही है। अपने आप को इस सोच, इस थॉट के साथ तैयार करिए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो मैं लास्ट फिर से बोलूंगा, सभी लोगों को पहले तो ढेर सारी बधाइयां, पढ़ाई करिए। और एक और चीज याद रखिएगा, फिर बोल दूं, पीसीएम में 79 चाहिए, अगर आपके 12th में तो सपोज 84% है, पर पीसीएम में अगर आपके 78.5 भी है तो भी आपको कंसीडर नहीं किया होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मिला के ये नंबर आपके मांगते हैं वो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डेट आप अपने प्लान के हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी जो मेरा सजेशन है, अभी से 1 महीने बाद अगर आप टीएस की, उसके 1 महीने बाद आप एनडीए 1 की, सॉरी 2 की, और उसके बाद एनडीए की अपने आप को तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा।
ये सेशंस मेरे अब आपको बहुत रेगुलर मिलेंगे। मैं बस वेट कर रहा था जैसे ही आता है तो आपके साथ मैं इस तरह के सेशन शेयर करूंगा। डे वन में स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी जो मैंने आपको बात बोली है बस पहले वो अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ाई करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।